अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। पिछले 2 साल से मैं टर्की में रह रहा हूँ और अब मैं 2 साल बाद पाकिस्तान वापस आया हूँ। पिछले 2 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान में चेंज हो गई हैं और सबसे नंबर वन जो चीज़ चेंज हुई है वो महंगाई है। और इट डज़न्ट टेक अ जीनियस टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में हर चीज़ इस वक्त महंगी है, लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया ना, सबसे ज़्यादा जो महंगाई आई हुई है वो आपके रहने सहने के अंदर, रेंटल्स के अंदर आई हुई है, आपके खाने पीने की जिस अशिया में आई हुई है, बेशक वो फल सब्ज़ियाँ हों, दालें हों, आटा हो, कुछ भी हो, उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा महंगाई आई हुई है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे हिट की है वो पेट्रोल की कीमतों में आई हुई है। नॉट सेइंग कि पूरी दुनिया में प्राइसेस कम है, पूरी दुनिया में भी प्राइसेस ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जितनी क्या कहते हैं अर्निंग है, एवरेज इनकम है वो हाउस होल्ड की, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो दिस इज़ टू मच। आज हम लोगों ने किसी काम की वजह से अनारकली जाना था और जब हम लोगों ने गाड़ी का डिसाइड किया तो वहाँ पर ट्रैफिक वगैरह में मिलनी थी, और अगर उबर करीम करवाते तो अगेन वो 700-800 रुपया ले रहे थे मेरे घर से। तो और तीसरी जो ऑप्शन थी जो कि हम लोगों ने आज चूज़ करनी है वो है ऑरेंज ट्रेन। मेरे घर के पीछे ही इसका स्टेशन है और अनारकली में इसका भी स्टेशन है, तो बहुत आसानी होगी मुझे जाना वहाँ पे। सो या ऑरेंज ट्रेन का सफ़र पहली दफ़ा करने लगूँ मैं आज। हाँ, मैंने पहले यूज़ किया है। तो और मैं कैसी लगती है सर्विस? सर्विस तो बहुत अच्छी है, थोड़ा सा इशू बस ये आता है कि अपना रश की वजह से सिटी का इशू है, बाकी तो कोई टाइम पे सब कुछ फंक्शनल है, सब कुछ टाइम पे चलता है, सब कुछ टाइम पे चलता है। वैल्यू फॉर मनी है 40 रुपये के अंदर। हाँ, 40 रुपये में आप इसे अंदाज़ा लगा लो कि अगर हम गाड़ी में या बाइक भी जाएँ, हम अपने घर से अगर हमने किसी भी एरिए में जाना है तो तकरीबन उबर करीम वाला भी 500-600 ले लेगा। हाँ, ये 40 रुपये में आपको डायरेक्ट उस जगह पे पहुँचाएगी जहाँ पे आप लोगों ने जाना है, तो बेस्ट सही है। और आहिर, तुम्हारा तो फर्स्ट टाइम है ना? Yes. तुम्हें कैसी लगी है सर्विस? ठीक है, बस सीटिंग का इशू है, लेकिन वैसे शायद आउट ऑफ 10 दूंगा क्योंकि ठंडी है, कोई इशू नहीं है उसमें, फ्रेंड पॉकेट फ्रेंडली है और क्या नाम लेते हैं, हर किसी के बजट में आ जाती है और कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, डेली लाइफ लोगों के काम आती है। सही है, चलो 10/10। और तुम्हारा क्या रेटिंग है? 9.5। आप बताएं कि आप टर्की में ट्रेन से बैठते हैं? हाँ, टर्की में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है ट्रेन। और इस्तांबुल की अगर स्पेशली मैं बात करूँ तो इस्तांबुल में दुनिया का सबसे वेल कनेक्टेड ट्रेन जो स्टेशन, मतलब ट्रेन क्या कहते हैं, जो नेटवर्क है, ट्रेन नेटवर्क है, वो सबसे अच्छा इस्तांबुल के अंदर है। अंताल्या में इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि इतना बड़ा शहर नहीं है, मैं अंताल्या में रहता हूँ, लेकिन फिर भी वहाँ पर ट्रेन चलती है, अंडरग्राउंड स्टेशन है इस्तांबुल के अंदर, अगर आप गए हो तो वहाँ पर भी सब कुछ चलता है। और लेकिन जाहिर बात है बेहतर ऑब्वियसली इस्तांबुल का है, टर्की का इसलिए बेहतर है क्योंकि उनके पास बहुत सालों का एज है, वो कर रहे हैं मेरे ख्याल से पिछले 25-30 साल से उनका वहाँ पर ये नेटवर्क चलता आ रहा है, उसको डेवलप कर रहे हैं वो लोग, और पाकिस्तान अभी शुरू किया है, तो ऑब्वियसली वी कांट कंपेयर द टू, लेकिन आई थिंक दिस इज स्टिल प्रीटी गुड एफर्ट। और अगेन जो बब्बू ने बात की है कि फॉर 40 रुपीज़ दिस इज़ एक्सट्रीमली बजट फ्रेंडली, वी नीड टू अंडरस्टैंड ये बनी किसके लिए, ये नॉट पर्टिकुलरली फॉर पीपल जो कि जैज़ और मूवलिंग और भारत के ऑफिस में काम करते हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं बना हुआ, दिस इज़ फॉर पीपल जो कि ज़ाहरी बात है जो कि मजदूर पेशा लोग हैं उनके लिए बना हुआ ये प्राइमरीली, और उनके लिए 40 रुपये की अहमियत बहुत कहीं ज़्यादा है जो कि हम मैं और आप नहीं कर सकते, जिसका कदम नहीं कर सकते। तो आई थिंक 40 रुपीज़ इज़ अ वेरी गुड प्राइस, मेरे ख्याल से तो अच्छी प्राइस है। और इसके अलावा आप क्या रेट करती हैं?
आउट ऑफ 10 रेट एक्चुअली मैं इसको 10 ही रेट करूँगा मेरे ख्याल से दिस इज वेरी गुड आपको इस वक्त उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको बता रहे हैं कि कौन से स्टेशन में आप उतरे हो विच इज़ अगेन ये होता है ट्रिकी के अंदर भी यही होता है कि आपको टर्किश और इंग्लिश के दोनों का बताया जाता है नंबर टू जो कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है यहाँ पे फॉर पीपल हु आर फिजिकली इम्पेयर्ड उनके लिए ये बने हुए हैं कि यहाँ पे कुछ जो व्हील चेयर्स हैं वहाँ पे आप पार्क कर सकते हो बैठ सकते हो वहाँ पे तो दिस इज समथिंग इंक्लूसिविटी के अंदर आता है विच इज ऑब्वियसली गुड फॉर एवरी वन सिटिंग अरेंजमेंट ज़ाहिर बात है एज पाकिस्तान एज दे कंटिन्यू टू डिवेलप तो ज़्यादा ट्रेन भी लग जाएंगी और इट बिकम मोर यू नो बेटर बाय द टाइम आई होप बट आई विल से के फॉर 40 रुपीज़ दिस इज 10 ऑन 10 इजी 10 ये हमारा स्टेशन आ गया अनारकली सो अब हम लोग उतरते हैं ये स्टेशन आ गया हाँ भाई हाउ वॉज योर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इट वॉज गुड It's good. 40 रुपए के अंदर पहुंच गए वाहिल अभी भी गुड कमाल बाय 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 अच्छा उतर के ना हमें समझ नहीं आ रहा था कि एग्जिट एग्जैक्टली है कहाँ क्योंकि एक एग्जिट ये था और एक एग्जिट राइट साइड पर तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वेयर यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम तो अब हम लोग एग्जिट करेंगे अपनी जगह से Another thing that I really really like is आप देख सकते हो कि कितनी साफ इन्होंने रखा हुआ है अब आई डोंट नो कि ये आमदोरफ्त शायद कम है रमज़ान की वजह से लेकिन आई स्टिल से कि दिस इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्लीन और अगेन इस्तांबुल में अगर कंपेयर करूँ ना तो वहाँ पे तो इस वक्त आपको यू नो अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है और डिफरेंट टाइप की स्मेल्स गंदी गंदी आ रही होती हैं बट यहाँ पे इट्स एक्चुअली स्मेल्स नॉर्मल अच्छा स्मेल है और बहुत ही साफ़ सुथरा है विच आई एम रियली प्लीज्ड अबाउट बाय द वे दिस इज़ द टोकन जो आपको देते हैं आप 40 रुपये दोगे आपको ये टोकन मिलेगा एंड दिस इज़ व्हाट यू यूज़ टू एंटर एंड एग्जिट अगेन अनलाइक टर्की क्योंकि वहाँ पे कार्ड सिस्टम है और यहाँ पे टोकन सिस्टम है आई एम श्योर यहाँ पे भी कार्ड सिस्टम ज़रूर होगा फॉर पीपल जो कि ज़्यादा ट्रैवल करते हैं बट या अच्छा ये एग्जिट है जी बस ये ऐसे करना है क्या अंदर डालना है अंदर ओके जी अंदर डाल दिया ओके ब्रिलियंट थैंक यू सारे जो स्टेशन हैं ना वो ऑलमोस्ट एक ही टाइप के हैं थोड़ा सा डिकोर और कलर का डिफरेंस है बट आर्किटेक्चर सबका ऑलमोस्ट सेम ही है बट आप अगेन देख सकते हो कि कितना साफ़ है हर कोई अपने ड्यूटीज़ वगैरह कर रहा है सर्विसेज वगैरह अपने कर रहा है दिस इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट और ये टिकट ऑफिस है फॉर अगर आपने टोकन लेना है यहाँ से और अगर आप बैग्स वगैरह लेके आ रहे हो तो आप यहाँ से बेसिकली आपका बैग चेक होके बाहर आता है अगेन यार वेरी गुड सर्विस वेरी सेफ वेरी क्लीन और अगेन 10 on 10 was orange train this was my first ever experience in the orange train aur mera conclusion mein main yahi bolunga this is a great service especially jinke liye ye bana hua hai unke liye to ye godsend service hai 30 rupaye ke andar agar aapka commute jo 8-10 kilometer ka tha jo ke aur jitna lahore mein rush hota hai wo agar aapka cover ho raha hai 30 rupaye ke andar
और इज्जत से आपका कवर हो रहा है एसी वाली बस के ट्रेन के अंदर बैठ के. तो आई थिंक दिस इज़ एन एक्सलेंट एक्सलेंट सर्विस और आई वुड गिव दिस अ 10/10 डेफिनेटली. पॉलिटिकली मैं इस प्रोजेक्ट पे कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज आई नो कि देर इज़ अ लॉट ऑफ बैक स्टोरी टू दिस सर्विस. और अगर आपको बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं या फिर पाकिस्तान के रिप्रिकॉशंस क्या होती हैं तो आपके लिए तो आपको तो कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी पॉलिटिकल नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में देन यू विल आपको थोड़ा सा होगा कि यार के वुड दिस हैव बीन मनी स्पेंड समवेयर एल्स. अगेन दिस इज़ अ टॉपिक जो कि मेरी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है तो आई एम नॉट गोइंग टू कॉमेंट ऑन इट. लेकिन अदरवाइज़ अगर आप पाकिस्तान में आ रहे हो और अगर आप दूसरे मुल्कों से इधर आ रहे हो या फिर अगर आपने नॉर्मली पाकिस्तानी हो यार अगर आपने ट्रैवल वगैरह करना है तो आई वुड डेफिनेटली एडवाइस यू के ऑरेंज ट्रेन का इस्तेमाल ज़रूर करें. दिस इज़ अ सर्विस बाय पाकिस्तानीज फॉर पाकिस्तानीज. और सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.